दोस्तों, आपको याद हो तो जब हम उस पालक किला पे थे, मैंने आपको नीचे एक जगह दिखाई थी कि हम जल्दी उस जगह पे चलेंगे। सो ये ही है वो जगह। तालाब बस थोड़ा हरा पड़ गया, यानी गंदा है, पानी जम चुका है, पर मछलियां हैं इसके अंदर। कभी यहाँ के राजा यहाँ पे नौकायान करते थे, अब पानी यहाँ का गंदा हो चुका है। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते थे, मतलब खेलते हैं। वो अंदर म्यूजियम है, वहाँ भी चलेंगे। देखा जाए तो जगह घूमने के हिसाब से बहुत अच्छी है। वहाँ ऊपर एक मंदिर है, बहुत ट्रैकिंग वाला जगह है, वहाँ पे भी कभी आपको लेके चलेंगे। अभी यहाँ ताला लगा है, वरना अंदर भी चलते। ये सरोवर में वहाँ बैठ के देखो आराम से नज़ारा, क्या बढ़िया नज़ारा लगता है। आ जाओ, छतरी पे चलते हैं। लोग बाग है काफी वहां पे। काफी शांति है यहाँ पे देखा जाए तो। चलो ऊपर चलते हैं। छतरी महाराजा बख्तावर सिंह। स्मारक की विशेषता है कि ये पूरी छतरी बलुआ पत्थरों के स्तंभों पर टिकी हुई है। ये है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी के नाम से प्रसिद्ध इस स्मारक का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी पत्नी मूसी रानी की स्मृति में महलों के पीछे सागर के पास बनवाया था। एक भूल भुलैया भी बनी हुई है यहाँ पे, छोटी है बस। सांबर भी है यहाँ पे, वहां पतंगे भी उड़ रही है। चलो आपको थोड़ा पुराना अलवर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पुराना अलवर, बाकी सब तो मॉडर्नाइज हो गया है। ये जगह अभी भी पुरानी झलक दिखाती है, इस पे भी काम चल रहा है। ऊपर लेके चलते हैं अगर जाने देंगे तो। आई थिंक जा सकते हैं। ये छतरी का अंदर का हिस्सा है। जूते चप्पल नीचे खोले भाई। ये महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी के पैरों के निशान है। ऐसी मान्यता है कि इनके पैरों पे पानी जो छड़ा के उसको अपने शरीर पे लगा लो तो आपको कई रोगों से राहत मिलती है। Thank you.
छतरियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी हर जगह। इस छतरियों में बैठ के आप नज़ारा देख सकते हो। वो पुरानी शैली के घर हैं यहाँ पे, काफ़ी पुरानी शैली के हैं। यहाँ पूरी जगह देखो तो सारे पुरानी शैली के घर हैं, मॉडर्नाइज तो कम ही जगह है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। सब कुछ ही मॉडर्नाइज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। चलो ऊपर का तो हो गया, अब नीचे चलते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हो ये सिटी पैलेस है। अगली बार यहाँ भी चलेंगे, अब तो रात हो गई है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पानी के पास आसपास है ना अपन, तो चलो अब घर चलते हैं, फिर मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।